ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. दिस इज़ माय टुडेज थर्ड वीडियो ऑन 20 जुलाई 2020. ये तीसरा वीडियो है मेरा. मैं आपको हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ. सिक्स्थ प्रिंसिपल मैनेजर स्टाफ भी आपको बताया है, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज. अब रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या बताया जाता है कि जैसी जिसकी काबिलियत है वैसे उसको सैलरी या तनख्वाह मिलनी चाहिए. फिर है सेवन हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. अब सेंट्रलाइजेशन से क्या मतलब है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब सारी पावर, सारी अथॉरिटी कुछ लोग अपने हाथ में रख लेते हैं तो हम उसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन. मतलब जैसे हायर लेवल पे जो बॉसेस बैठे हैं या जो मालिक हैं कंपनी के या बिजनेस के जो मालिक हैं, उन्होंने किसी को कोई राइट या पावर नहीं दिया. सारे डिसीजन मैं लूँगा, मुझसे पूछकर सारा काम किया जाएगा. ऐसी कंडीशन को सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है. यानी जब पावर, अथॉरिटी केवल कुछ लोगों के पास में होती है, सबके पास नहीं होती है, तो उसे कहा जाता है सेंट्रलाइजेशन. और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब पावर एंड अथॉरिटी सब लोगों में बांट दी जाती है, सभी लोगों में बांट दी जाती है, जिसको जैसी पावर या अथॉरिटी की ज़रूरत है वैसी उसको दे दी जाती है, तो इस कंडीशन को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. तो प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन कहता क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन कहता है कि ना तो पूरी तरीके से सेंट्रलाइजेशन हो ना ही पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन हो. मतलब अगर बिजनेस में टोटली सेंट्रलाइजेशन वाली कंडीशन होगी तो लोग अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे. जैसा कि आपको यहाँ बताया था सेकंड वाले में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जैसी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वैसी उसकी क्या होनी चाहिए? अथॉरिटी होनी चाहिए. तो अगर टोटल सेंट्रलाइजेशन वाली कंडीशन है तो लोग अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई राइट ही नहीं है. सारा राइट हायर अथॉरिटीज ने अपने पास रखा हुआ है. और इसी तरह से अगर सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन वाली कंडीशन है, अगर डिसेंट्रलाइजेशन है बिजनेस में, तो भी सही नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर सारी पावर दूसरों को, यानी हर लेवल के हिसाब से अगर पावर बांट दी जाएगी, तो बॉसेस के हाथ में, यानी मालिकों के हाथ में, हायर लेवल के हाथ में कुछ नहीं रहेगा और बेईमानी होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे. कैसे बढ़ जाएंगे? मान लीजिए कि हमने एक सुपरवाइज़र को ये पावर दे दी कि आप अपने हिसाब से जहाँ से चाहे रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, आपको जहाँ से ठीक लगे आप खरीद लीजिए रॉ मटेरियल. तो अगर ये हमने सुपरवाइजर्स के हाथ में दे दी पावर, तो वो क्या करेगा? वो बेईमानी कर देगा. वो कोई पहचान वाला ढूंढेगा जो रॉ मटेरियल देता हो और उससे बात करेगा कि मैं आपका रॉ मटेरियल अपनी कंपनी से ऑर्डर दिलवा रहा हूँ और आपको मुझे इसके बदले में कमीशन देना होगा. तो यहाँ पर बेईमानी हो जाएगी. कोई ज़मीन खरीदना है बिजनेस के लिए, अगर लोअर लेवल के ऑफिसर्स को आप ये पावर दे देंगे कि आप अपने हिसाब से ज़मीन खरीद सकते हैं, तो वो क्या करेंगे? वो 50 लाख की ज़मीन 60 लाख में दिखा देंगे और पैसा खा जाएंगे कि हमने 60 लाख की ज़मीन खरीदी, जबकि वो 50 की ही थी. खुद ने बात कर ली, 60 लाख रुपये दिखा दिया कागज़ों में, 10 लाख रुपये उसने कमा लिए. तो हम डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी प्रॉब्लम है. तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए. मतलब सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए. यानी जो मेन ज़रूरी पावर हैं उनको सेंट्रलाइज रखा जाए, यानी बॉसेस, बड़े हाई लेवल के बॉसेस अपने पास रखें, दूसरों को ना दें, और जो छोटे छोटे लेवल की पावर्स हैं वो बांट दी जाए, यानी लोगों को फ्री कर दिया जाए कि वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं. सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में बैलेंस होना चाहिए. कुछ राइट्स एंड अथॉरिटी सेंट्रलाइज होनी चाहिए, कुछ राइट्स एंड अथॉरिटी डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए. अब एट्थ पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि हायर लेवल से लोअर लेवल तक के अथॉरिटीज़ का एक सीक्वेंस होना चाहिए. देखिए, स्केलर चेन का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ पोस्ट, यानी पोस्ट का अनुक्रम. बिजनेस में अलग अलग पोस्ट होती हैं,
हायर लेवल पे हायर बॉसेस होते हैं, लोअर मिडिल लेवल पे मैनेजर्स होते हैं, लोअर लेवल पे सुपरवाइजर्स होते हैं। तो एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप पोस्ट होती हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या कहता है कि पोस्ट एक के बाद एक होनी चाहिए। जैसे ये मान लीजिए सबसे बड़ा बॉस यानी कि मालिक है, तो इसके अंडर में ये बॉस है, ये बॉस है, ये बॉस है, और ये वाला बॉस भी है, ये वाला बॉस भी है, ये वाला बॉस भी है। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन के अकॉर्डिंग ये कहता है जैसे कि अगर डी को कोई बात ए को कहनी है तो डी डायरेक्टली ए से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। अगर डी को कोई बात ए को कहनी है तो डी डायरेक्टली ए से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, डी अपनी बात सी को कहेगा। अगर सी जो है उसका बॉस ठीक लग रहा है उसे तो वो बात अपनी अपने बॉस को यानी बी को कहेगा, और अगर बी को ठीक लग रहा है तो वो ए के पास में बात पहुंचाएगा। इसी तरह से अगर ए को कोई बात डी तक पहुंचानी है, ये डी कौन है समझ लीजिए, सुपरवाइजर है या लेबर है, अगर ए को कोई बात डी तक पहुंचानी है तो वो डायरेक्टली लेबर से बात नहीं करेगा, वो अपने अंडर में काम करने वाले बॉस बी को बोलेगा, बी उस बात को सी को बोलेगा, सी उस बात को डी तक पहुंचाएगा। इसी तरह से अगर डी को कोई बात जी तक पहुंचानी है तो वो डायरेक्टली जी से बात नहीं करेगा, ये भी लेबर हैं, ये भी लेबर हैं, या तो आप समझ लीजिए ये सुपरवाइज़र है, ये भी सुपरवाइज़र है, लेकिन फिर भी ये डी अपनी बात डायरेक्टली जी तक नहीं पहुंचाएगा, डी अपनी बात सी को कहेगा, सी बी को कहेगा, बी ए को कहेगा, ए को ठीक लगेगा तो फिर वो आगे ई के पास पहुंचाएगा, ई को ठीक लगेगा तो एफ के पास, और एफ को ठीक लगेगा तो जी के पास भेज देगा। तो अगर डी को जी से कॉन्टैक्ट करना है, कोई बात कहनी है, बतानी है, कुछ इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करना है, तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकता, स्केलर चेन को फॉलो करना होगा। यही है स्केलर चेन कि पोस्ट में एक के बाद एक सीक्वेंस होने चाहिए, और हायर लेवल का व्यक्ति डायरेक्ट लोअर लेवल से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, लोअर लेवल का व्यक्ति डायरेक्ट टॉप लेवल से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, एक के बाद एक पोस्ट के अकॉर्डिंग काम होगा। इतना समझ में आया आपको? अब पोस्ट के अकॉर्डिंग काम से क्या मतलब है, पोस्ट के अकॉर्डिंग काम से मतलब यह है कि ये पर्सन जो डी है ये जी से डायरेक्टली बात नहीं कर सकता। इतना समझ में आया स्केलर चेन का प्रिंसिपल? अब इस स्केलर चेन में एक चीज आती है, गैंग प्लैंक, जी ए एन जी गैंग, पी एल ए एन के प्लैंक। गैंग प्लैंक क्या है, ये बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है गैंग प्लैंक के नाम से। ये गैंग प्लैंक क्या है, ये गैंग प्लैंक जो है वो है ब्रेकिंग ऑफ स्केलर चेन, यानी स्केलर चेन को तोड़ना। अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है तो ये स्केलर चेन को फॉलो ना करके डायरेक्ट भी बातचीत की जा सकती है। कैसे की जा सकती है, मान लीजिए फैक्ट्री में हड़ताल हो गई है, लॉकआउट हो गया है, कर्मचारी काम पे नहीं आ रहे हैं, तो सीधे मालिक कर्मचारियों से बात करने पहुंच जाते हैं। यहाँ पर स्केलर चेन तोड़ दी गई इमरजेंसी की कंडीशन में, है ना। इसी तरह से मान लो डी को कोई बात जी को अर्जेंटली बतानी है, मान लीजिए यहाँ पर प्रोडक्शन चल रहा है, कोई माल बन रहा है, और जो प्रोडक्शन चल रहा है उसका रॉ मटेरियल जी के पास से आया है, यानी इस जी ने उस चीज़ को बना के भेजा है। अब उस रॉ मटेरियल में कोई बड़ी खामी है, कोई कमी है, तो जब तक ये स्केलर चेन को फॉलो करके जी के पास पहुंचेगा तब तक तो बहुत प्रोडक्शन हो चुका होगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। तो उस कंडीशन में डी डायरेक्टली जाके जी से बात करेगा, है ना। जैसे आप बुक छापने का बिजनेस कर रहे हैं, आपने पेपर काटने का काम किया, दूसरे पर्सन को पेपर काट के दे दिया, सपोज़ ये जी है जो पेपर काटने का काम कर रहा है और ये डी जो है वो छापता है बुक, तो जब डी के पास में वो कटा हुआ पेपर पहुंचा तो उसने देखा कि पेपर की कटिंग सही नहीं हो रही है, गलत तरीके से काटा जा रहा है, इसमें पूरी बुक्स रिजेक्ट हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। तो जब तक ये बात घूम के पहुंचेगी यानी स्केलर चेन को फॉलो करके पहुंचेगी तब तक तो ये बहुत सारा पेपर काट चुका होगा, तो नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, स्केलर चेन को ब्रेक कर देगा और डायरेक्टली इससे कॉन्टैक्ट कर लेगा। इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक, यानि ब्रेकिंग ऑफ स्केलर चेन। इतना समझ में आया? तो स्केलर चेन का प्रिंसिपल कहता है कि देयर मस्ट बी अ सीक्वेंस ऑफ पोस्ट एंड यू हैव टू कॉन्टैक्ट विद द पर्सन अकॉर्डिंग टू द चेन ऑफ पोस्ट, नॉट डायरेक्टली। नाइन्थ है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल हम पढ़ रहे हैं। नाइन्थ है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर,
ऑर्डर वाला प्रिंसिपल क्या कहता है? ऑर्डर वाला प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस में हर चीज़ के लिए एक जगह सही जगह होती है और उस चीज़ को उसकी सही जगह पर ही होना चाहिए। मतलब ये है कि बिजनेस में हर चीज़ के लिए एक सही जगह ज़रूर होती है और उस चीज़ को उसकी सही जगह पर ही होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं एक बड़ी कंपनी फैक्ट्री में ट्रांसपोर्ट की लोडिंग की जगह कहाँ पर होती है? जहाँ पर रेडी ये माल रखा रहता है, क्योंकि वो माल फिर आगे लोड होके जाता है। तो रेडी माल कहाँ पर होना चाहिए? तैयार माल यानी फिनिश्ड प्रोडक्ट कहाँ पर होना चाहिए? गेट के पास। क्योंकि अगर हम बिल्कुल पीछे रख देंगे, मान लीजिए किसी कंपनी के लास्ट कॉर्नर पे हमने फिनिश्ड प्रोडक्ट रख दिया, तो ट्रक फिर पूरी कंपनी में घूमता हुआ उस जगह पहुँचेगा, तो वो पूरी कंपनी का फालतू में राउंड लगाएगा। लेबर, कंडक्टर, ड्राइवर सब पूरी कंपनी में टहलेंगे, घूमेंगे, चीज़ों को डिस्टर्ब करेंगे और नुकसान भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए सही जगह क्या है? गेट के पास। इसी तरह से हर चीज़ के लिए एक सही जगह होती है। मशीनों के लिए सही जगह होती है, ऑफिस के लिए सही जगह होती है, तो हर चीज़ अपनी सही जगह पर होनी चाहिए। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। फिर 10th है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कहता है? कि सबके साथ इक्वल यानी समान एक जैसा व्यवहार करो। जाति, धर्म, रंग, रूप, जगह, इसके हिसाब से कोई भेदभाव ना किया जाए। एक सुपरवाइज़र के अंडर में 10 लेबर हैं, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई यूपी का है, कोई एमपी का है, कोई बिहार का है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई ब्राह्मण है, कोई किसी जाति का है, तो इस हिसाब से कोई भेदभाव ना किया जाए। इक्विटी, सबको एक सा ट्रीटमेंट दिया जाए, समान रूप से सबका ट्रीटमेंट किया जाए। फिर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पर्सनल। पर्सनल देखो NNEL लिखा है, पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ मैं, पर्सनल। पर्सनल का मतलब क्या होता है? कर्मचारी। स्टेबिलिटी यानी स्थिरता। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल वाला प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि लोगों को जल्दी जल्दी काम से ना निकाला जाए छोटी छोटी बातों पर। ऐसा नहीं है कि लोगों को हम काम से निकालेंगे ही नहीं, पर छोटी छोटी बातों पर जल्दी जल्दी काम से ना निकाला जाए। अगर हम हमारे कर्मचारियों को बहुत जल्दी जल्दी अपने बिजनेस से निकाल देंगे तो क्या होगा? तो जो कर्मचारी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं वो ठीक से काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमको भी कभी भी निकाल देंगे, तो वो लोग मन लगा के काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे और हमेशा अंदर ही अंदर दूसरी कंपनी में, दूसरे बिजनेस में जॉब ढूंढते रहेंगे। जैसे ही मिलेगी आपके यहाँ छोड़ के भाग जाएंगे, फिर आपका काम अटक जाए, रुक जाए, नहीं चल पाए, बंद हो जाए, इससे उनको मतलब नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग तो बहुत जल्दी जल्दी हमको निकाल देते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल यानी छोटी छोटी बातों पर कर्मचारियों को काम से ना निकाला जाए, कोशिश की जाए उन्हें सुधारने की, अच्छा बनाने की, ठीक करने की। फिर भी नहीं हो पा रहा है तो निकाला भी जा सकता है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर जल्दी जल्दी ना निकाला जाए। फिर है 12th प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? पहल करना। 12th नंबर का प्रिंसिपल, पहल करना मतलब आगे आकर किसी काम को करने के लिए कहना। जैसे हम कहते हैं ना कि ये वाला काम कौन करेगा, तो आप हाथ उठा देते हैं। तो ये एम्प्लॉयज़ के साथ भी होना चाहिए कि लोगों को अपने मन से आगे आकर काम करने का मौका देना चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे एक तो उनको अपनेपन का एहसास होता है कि हम भी इस कंपनी और बिज़नेस का हिस्सा हैं, और दूसरी चीज़, जब पर्सन खुद अपने मन से कोई काम करता है तो वो पूरी लगन और मेहनत के साथ करता है। ज़बरदस्ती आप करवाएंगे तो पूरी लगन और मेहनत से वो नहीं करता है। फिर 13th प्रिंसिपल क्या करता है? प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉप्स। ये देखिए, एस्पिरिट डी कॉप्स, CORPS। ये प्रिंसिपल कहता है कि टीम वर्क यानी सब मिलजुल कर काम करें, एक टीम वर्क के साथ काम करें, अकेले अकेले नहीं, सब मिलजुल कर काम करें, एक साथ काम करें, कंपनी के गोल के लिए काम करें, टीम वर्क के साथ काम करें, एस्पिरिट डी कॉप्स। और 14th प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट का क्या मतलब है? कि जो कर्मचारी हमारे यहाँ काम करने आ रहे हैं वो तनख्वाह के लिए काम करने आते हैं, ठीक है, लेकिन कंपनी का भी अपना कोई इंटरेस्ट यानी कि अपना कोई गोल या एम है।
तो पहले बिजनेस और कंपनी के एम पे ध्यान दिया जाए, फिर अपने पर्सनल एम पे ध्यान दिया जाए, यानी पहले बिजनेस की प्रॉफिट को बढ़ाया जाए, बिजनेस की तरक्की की जाए, फिर कर्मचारी अपनी खुद की तरक्की करें, अपनी सैलरी बढ़वाएं, अपना बोनस प्रमोशन लें। यानी इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, पहले बिजनेस के कंपनी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए, फिर अपने इंटरेस्ट को भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है, थैंक यू।